नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कुछ नया व्यंजन पढ़ेंगे। आप सब तैयार हो? तो चलिए आज हमें नया व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा व्यंजन? अरे, ये कौन सा व्यंजन है? ये तो व्यंजन क। तो देखते हैं व्यंजन क से क्या क्या होता है। आप सब तैयार हो ना? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क क से कमल, क से कमल, क से ये क्या है? क से केला, क से केला, क से ये कौन सा सब्जी है? क से करेला, क से करेला, क से कौआ, क से कौआ, क से कछुआ, क से कछुआ, क से कंगन, क से कंगन, क से क्या होता है? क से कंगन। फिर क से कलश, ये क्या है बेटा? ये है कलश। क से कलश, क से ये क्या है बताइए? कबूतर। क से कबूतर, क से कप, क से कप। मम्मी चाय पीती है ना इसमें? क से कप। क से ये क्या है? काजल। मम्मा काजल लगाती है ना? क से काजल। क से कंघी। ये क्या है? कंघी, हम बाल झाड़ते हैं ना इससे? क से कंघी। और क से कलम भी होता है ना? हम पेन को क्या बोलते हैं? हाँ, हम पेन को कलम बोलते हैं। तो ये क्या है? क से कलम, क से कलम। और देखो तो बच्चों, ये क्या है? क से कमीज, क से कमीज। और भी देखते हैं क से और क्या क्या होता है। क से कटहल, क से कटहल, क से कान। ये क्या है हमारा? कान है ना बेटा? क से कान, क से कोयल, कोयल, क से कोयल। और ये कौन सा रंग है? क से काला। ये कौन सा रंग है? क से काला। तो आज हमने कौन सा व्यंजन सीखा? आज हमने क व्यंजन सीखा। तो एक कहानी भी सुनिएगा आप सब क व्यंजन से। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। ये कौन है? कोमल। और इसका भाई कौन है? करण। कोमल, करण। कोमल और करण कानपुर गए थे। वहां अपने दोस्त कविता, ये कौन है? कविता। कविता के यहाँ रुके थे। कविता के घर में एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के सब्जी और फल, जैसे कि ककड़ी, कटहल, करेला, केला उगाई थी। परंतु वे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हर सवेरे क्योंकि रोज सवेरे कौआ और कबूतर आकर सारे सब्जी और फल खा जाते थे। कोमल और करण
कोमल और करण जाकर अपने दोस्त की सहायता की और पूरे बगीचे को कपड़े से ढकवा दिया और रोज होने वाले नुकसान से बचा दिया। कविता बहुत खुश हो गई। वो अपनी मम्मी पापा को भी ये सारी बातें बताए। वो सब बड़े खुश हो गए। किससे? कोमल और करण से, कि देखो ये दोनों बच्चे तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। और वो खुशी खुशी कुछ दिन कविता के यहाँ कानपुर में बिताए। तो अब बताइए, आपको ये कहानी कैसे लगा? आपको अच्छा लगा ना? किसका कहानी? कोमल, करण और ये कौन है? कविता। अरे कविता किस चीज से परेशान थी? आपको पता है कविता के बगीचे में कौन आता था? अरे बगीचे को नुकसान पहुंचाने के लिए रोज कबूतर और कौवा वहां आके बहुत तंग करते थे। तो आप सबको अच्छा लगा ना ये कहानी? तो चलिए अब मैम आपको दिखाएगी ये क व्यंजन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? उसके लिए आप लोग अपना हिंदी अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक लेके आइए। चलिए सब जल्दी जल्दी लेके आइए। तो चलिए देखिए मैम कैसे क लिख रही है। आप अपना हिंदी अभ्यास पुस्तिका ले आइए, खोलिए और आपको बिल्कुल इसी तरह क लिखना है। क्या है? क, ठीक है? फिर मैम लिख रही है, आप ध्यान से देखिए कैसे क। आप इसी तरह एक पेज क लिखिएगा और दूसरे पेज में आप क से कोई भी चित्र बनाइए, फिर उसको रंग भरिए और फिर उसका फोटो खींच के जयश्री मैम को भेज देना, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब देखिए मैम क्या बना रही है। इसके लिए क्या चाहिए? 3 सर्कल, ठीक है? आप बिल्कुल सीजर कैची आप इस्तेमाल मत करिएगा, मम्मा को बोलिएगा, मम्मा आपके लिए कर देगी, ठीक है? और हमें क्या चाहिए? और हमें एक मार्कर पेन भी चाहिए। हाँ तो फिर आप कैसे करोगे? आप लोग देखिए अब मैम कैसे कर रही है, ठीक है? उसके लिए 3 सर्कल चाहिए, ठीक है? आप देखो तो पहले मैम क्या बना रही है, ठीक है? इसको लगाइए, फिर इसके ऊपर इसको भी लगाते हैं, ठीक है बेटा? अब देखिए हम क्या लगाएंगे। हाँ फिर देखिए ठीक है, अब यहाँ अच्छा तो इस तरह से हम इसका आग बना लेंगे। फिर आप सबको देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है?
एक ट्रायंगल शेप का ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर सबको ही बताना जयश्री मैम बना क्या रही है, ठीक है। और फिर ये जो सर्कल है ना, इसको आप बीच में से काट लीजिएगा। काटने के बाद इसको हम जरा सा ही देखें यहाँ, अरे ये तो जयश्री मैम सुबह रोज हम देखते हैं, है ना। मम्मा रोटी देती है, नहीं तो रोज आके ना खिड़की पे बैठ के चिल्लाता रहता है, कौन है ये, कैसे बताइए तो ये कौन है। अरे जयश्री मैम ये तो कैसे कौआ है ना, कितना आसानी से जयश्री मैम बना ली, कैसे कौआ। तो आप लोग इसी तरह कोई क्राफ्ट भी बनाइएगा कैसे, और आपके आसपास जो भी चीज मिलेगा क शब्द से उसका आप फोटो खींच के जयश्री मैम को भेज दीजिएगा। मैम आसपास क्या मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, कप मिलेगा, कटोरी मिलेगा, कागज, किताब, ठीक है, फिर कलम, काजल, ठीक है, कंगन, और सब्जियां भी तो हैं, कटहल, फिर करेला, केला, ये सब कुछ जो भी आपको मिले आसानी से उसका आप फोटो खींच के और क व्यंजन को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख के, और ऐसे ही कुछ क्राफ्ट क शब्द से जो बनता है उसे आप बनाइएगा, फिर आप उसका फोटो खींच के जयश्री मैम को भेज दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए सबको टाटा।